ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो तुम्हें जाने वह तुम्हें पसंद भी करे। हर इंसान के अलग अलग गुण होते हैं और हर इंसान का जीवन के प्रति अलग अलग नजरिया भी होता है। तो अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम इस बात को समझो और स्वीकार करो कि तुम्हारा और उस इंसान का जिंदगी के प्रति अलग अलग नजरिया है। जिस पल तुम ये बात समझ लोगे उसी पल से जीवन आसान हो जाएगा और झगड़े बंद हो जाएंगे। कोई भी इंसान पूर्ण प्रकार से उत्तम नहीं होता, इसलिए किसी और को खुश करने के लिए वो बनने की कोशिश ना करो जो वो चाहते हैं। मेरा हर बच्चा खास है और तुम भी हो। हाँ, मैं यह नहीं कहता कि तुम गलत नहीं हो सकते, लेकिन किन बातों में तुम्हें सुधरने की जरूरत है वो मैं तुम्हें समय समय पर बताता रहूँगा। अपनी उम्र की फिक्र ना करो, चाहे तुम कितने छोटे हो या बड़े बूढ़े हो, मेरे लिए तुम मेरे बच्चे ही हो। और एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। जीवन में कभी भी एक नई शुरुआत हो सकती है। उम्र की कोई सीमा नहीं होती और अब तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत मैं कर रहा हूँ। रोज हनुमान चालीसा पढ़ो। घर और तुम्हारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।